नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। इस नए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ हम डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग की। थैंक यू सो मच। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। जी बात ये है, आज हमारी 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो कैसे आप लोगों को थैंक यू कहे, किस शब्द में कहे, शब्द कम पड़ जाएंगे। जी कितना सपोर्ट किया आप लोगों ने, हमने कभी सोचा नहीं था हमारा 44,000 वाला जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो फिर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और 1 महीने 10 दिन के अंदर हमारे 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो उसके लिए जी दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। जी हमें ध्यान है जो पिछले चैनल पर हम लोग वीडियो बना रहे थे तो 1 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे और यहाँ पर लगभग उतने ही टाइम में, उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम में 25,000 सब्सक्राइबर हो गए, और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो जी आज इस मौके पर हम लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग ही करेंगे, लेकिन आज का जो ब्लॉग है कुछ अलग है। और ये ब्लॉग जो है, इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपना जो एक रूटीन है शाम का, जो शाम का रूटीन है हमारा वो पार्टिकुलरली यूट्यूब को डेडिकेट रहता है, और इसमें थोड़ा सा कुछ और अलग दिखेगा कि शाम में जो है नाश्ता ये सब जो भी है जिया बनाती है, लेकिन आज हम इतने खुश थे कि मेरे पतिदेव बना रहे हैं मैगी। तो कैसा मैगी बनाए देखिए जी आप लोग वीडियो को थोड़ा आगे। मेरे पतिदेव क्या कर रहे हो आप? मैगी बना रहे हैं। आज मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने दिन से हम चाह रहे थे खुद ब्लॉग क्या स्टार्ट करें। चलिए जी आज खुश कर दी कि अपने से कर रही है। तो आज देखते हैं पतिदेव कैसे मैगी बनाते हैं। तो तैयार हो आप? हाँ बिल्कुल, एकदम टेस्टी लगेगा, जबरदस्त। आने के बाद पता चलेगा प्याज है, प्याज बड़ा है कुछ प्याज छोटा है। वाह कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है प्याज प्याज ही है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा खसवा देख ही रहेगा। टाइट ढूंढ रहे हैं, जल्दी से उसमें थोड़ा सा छौंका लगाएंगे। वाह छौंका लगाएंगे। बिना गर्म किए उसमें तेल डाला जा रहा है। बेइज्जती मत किया करो, ठीक है? हमको ही मालूम है पानी थोड़ा गर्म। ठीक है। क्या और क्या ढूंढ रहे हो आप? जल्दी से इंतजार कर रहे हैं, गर्म हो जाए, तेज हो जाए भाई, तेज हो जाओ। हमको भी उतना धैर्य नहीं है, चाह रहे जितना जल्दी बने खाए अपना। वाह कितना दिन बाद मैगी खा रहे हैं। वाह पेट तो तृप्त हो जाएगा पतिदेव के हाथ का बनाया हुआ मैगी खा कर। आये हाय हाय बनाने का स्टाइल। ये डाल दिए तेल। उसके बाद जो है थोड़ा सा कड़कने दो। कड़कने दो। और जब कड़क जाएगा, हाँ। जीरा तो नहीं डालेंगे। साथ में उसका जो पानी रहता है, हाँ। वह भी जबरदस्त लगता है। आपको लगता होगा, हमको नहीं लगता है, हमको सूखा सूखा मैगी अच्छा लगता है। सूखा सूखा तब अच्छा है, हम अकेले खाएंगे सारा अच्छा है। कोई बात नहीं, इसलिए तो हम यहाँ खड़े हैं। क्या कहते हैं उसको? छोलनी। आज आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मेरे किचन में। तो इसमें क्या क्या डाला आपने? प्याज मिर्च थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। ये देख सकते हैं आप क्या क्या डाला आपने, थोड़ा सा हल्दी का, इसका भी जरूरत है नहीं क्योंकि मैगी मसाला ही काफी है। अच्छा तो थोड़ा सा डालिए, मसाला पहले डालो या बाद में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरी गुड, तुमने ऐसा कर दिया है। ना पानी दिया जरा बस। अरे तुम देखो जबरदस्त लगेगा, तुम बस टोको नहीं। तो आप लोग को जिनको भी मैगी खाना हो इनको उठा करके ले जा सकते हो आप, ये मैगी बनाते हैं बहुत जबरदस्त। मेरे लिए कुछ पैकेट रिजर्व कर दीजिएगा उसमें। हाँ कि उसमें से किसी को नहीं देंगे कोई हिस्सा। कैसा चौक लगाए हुआ, मतलब है कि बहुत टेस्टी बनने जा रहा है। खास दी मतलब टेस्टी बनने जा रहा है। बहुत छींक देने से कहा जाता है शुभ माना जाता है। आप खांस दो तो शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है खाने के टाइम खांसना शुभ माना जाता है। आप देखो बनेगा। पूरा मेरा किचन गंदा करके रख दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, हम साफ करते हैं। करो पूरा, जब बन जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा बना है और टेस्ट करके भी। उधर हम मैगी बना रहे हैं और इधर मोहतरमा मोबाइल चला रही है बैठ के। कौन बोला, हम काम कर रहे थे। काम कर रहे हैं, बंद लैपटॉप से कौन काम करता है। अभी बंद हुआ तो क्या,
हमको बनाती है हमको बनाती है पति मिला है हाय 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 झूठ बोलने पर किस तरह से चोरी पकड़े जाने पर चोर किस तरह से करता है ये देखिए कितना झूठ बोलता है मेरा पति। जिस दिन ये एडिटिंग करने लग गई उस दिन मेरा दिन भर का लगभग एक दो घंटा बच जाएगा। वहाँ मेरा मैगी बन रहा है। ये हमारा टिफिन था पहले, ये जब भागलपुर में रहे एक साल तो उस टाइम यही टिफिन में आता था। वो जो मेस वाला था ना वो हाँ। अपना टिफिन नहीं देता था हाँ। कहता था आपको अपना ही टिफिन देना होगा हाँ। तो ये वही टिफिन अब इस्तेमाल हो रहा है घर में। नसर दिया इसमें, ये देखो इनका मैगी वेरी गुड। क्या मजेदार बना है। डेली मैं बना के खिला हाथ जल गया ना। मसाला मजेदार जी। हमारा यह मैगी तैयार है। और बताओ कैसा लगा मेरा मैगी? ठीक ठाक है। प्रतिष्ठा में पुराण मत गवाओ, बोल दो अच्छा लगा है तो बोलो अच्छा लगा है। ठीक ठाक है। और हमेशा हम इतना मेहनत से बनाते हैं खाना, हम बोलते हो ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है। अच्छा तो बदला ले रही है, हम तो तारीफ नहीं करते हैं। यस कोई बात नहीं, हम अपना तारीफ खुद कर लेते हैं। बहुत अच्छा बना है, जबरदस्त बना है, टेस्टी बना है। अब जलने वाले को जलना है तो जले, हमको कोई मतलब नहीं। तीखा नहीं है तो मजा है क्या है? आप लगता कौन सी दुश्मनी की है मैंने जो मिर्ची खाई होगी। ज्यादातर जब भी क्या होता है अगर खाने में मिर्ची डाले तो दो मिर्ची है तो दोनों मिर्ची जिया के मुंह में ही जाएगा, मेरे मुंह में नहीं जाता है। फिर जी जब हमने मैगी अपना खत्म कर लिया, मैगी खत्म करने के बाद बैठ गए एडिटिंग पर। असल में जी हमारा जो एडिटिंग का जो टाइम है ना वो शाम में ही रखते हैं, सुबह में अपना काम निपटाते हैं सुबह दोपहर में, और शाम का टाइम प्रॉपरली एडिटिंग को देते हैं। और आप देख रहे होंगे साथ में जिया भी बैठी हुई है। तो जिया इसलिए बैठ जाती है कि एडिटिंग का काम जो है ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ये शूट करना आसान है बाकी सब आसान है, इसलिए मुझे भी बोर करने के लिए बैठा लेते हैं बगल में। तो बोर होती है तुम? बहुत ज्यादा मैं बोर होती हूँ क्योंकि ये तो काम करते रहते हैं और मैं बीच में बगल में बैठे रहती हूँ और बोर होती रहती हूँ। तो जी इस तरह से हमारा एडिटिंग का काम चलते रहता है और एडिटिंग का काम लगभग पूरा हो ही चुका होता है। 60-70% तब जिया चली जाती है अपना किचन रोटी बनाने के लिए। हाँ, और दिन में ही हम सब्जी बना लेते हैं, बस मुझे रोटी बनाना रहता है, रोटी बना लेते हैं और जल्दी से अपना किचन का काम खत्म करके और किचन की भी सफाई रात में ही कर लेते हैं। बस जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके फिर मुझे लाइव आना होता है रात के 9 बजे। और जब ये 9 बजे आती है तक होगा रात में लाइव, उस टाइम जो सिर्फ इसका नहीं मेरा भी हम दोनों का ऐसा रसावल होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। वीडियो एडिट करो, जल्दी से लाइव पर आओ, फिर सभी से बात करो। और मुझे इधर रेडी को भी खाना देना होता है तो कभी इनको बोलते हैं आप ले लो लाइव, कुछ देर हम ले लेते हैं फिर जल्दी जल्दी दोनों अपना काम निपटाते हैं। और आज तो देखिए थी पीहू जी थी लाइव तो थोड़ी सी हेल्प हो गई, तो पीहू जी ही सारी कमेंट को पढ़ रही थी, सारे मैसेज को पढ़ रही थी जो भी लाइव में थे। पीहू जी को आप लगा दिए हो कमेंट पढ़ने में। फिर जी वीडियो को अपलोड करने के बाद और इंस्टाग्राम लाइव सेशन खत्म करने के बाद हम दोनों साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं। और जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद मेरी पत्नी का एक और काम रहता है, मेरे पति देव के बालों में तेल लगाना। और एक दिन छूट जाए ना तो सुबह ताने सुने को मिल जाते हैं, तुम ना कितने दिनों से मेरे बाल में तेल नहीं लगाई हो, इस वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। ये देखिए जिसका ताना यहाँ भी शुरू हो गया, यहाँ तो कम से कम झड़ दो। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हैं लेकिन शायद होता होगा दो तीन दिन। ये काम ही रहता है डेली पति देव के बालों में तेल लगाना। उसके बाद क्या होता है कि तेल लगाने के बाद दूध तब तक हमारा ठंडा हो जाता है। दूध हम लोग पीते हैं और फिर पति देव अपना YouTube का कमेंट पढ़ते हैं और मुझे सुनाते रहते हैं कि ये देखो कितना प्यारा प्यारा कमेंट आया। सच में सुन के कमेंट इतने प्यारे प्यारे आते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। फिर उसके बाद मैं भी अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ और रात में मैं चोटी करके सोती हूँ। फिर जी उसके बाद कुछ कमेंट का हम लोग रिप्लाई करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। जिया तो थोड़ा सो जाती है पहले ही, हम थोड़ा सा रात में कोशिश करते हैं कि कुछ मूवी का अगर 20 मिनट भी 15 मिनट भी देख ले या कोई YouTube पर और वीडियो देख ले तो वो हम करते रहते हैं, जिस बात की शिकायत हमेशा रहती है जिया को। हाँ, क्योंकि सवेरे जगना होता है और अब सवेरे जग नहीं पाते हो। जगना क्या होता है, जगा देती ही है चाहे हम रात के 2 बजे सोए या रात के 3 बजे सोए, एक रूटीन होता है लाइफ में। जिया जो है उसी टाइम में उठाएगी, सुबह के 6 बजे उठा देगी, कभी 5 बजे उठा देगी।
तो जी कैसा लगा आपको यह वीडियो? यही था हमारा शाम का रूटीन जो स्पेशली यूट्यूब के लिए है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले, और साथ में शेयर करना भी नहीं भूले, उससे भी हमको एक सपोर्ट मिलेगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।